नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी यूरोप से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की कगार पर ला दिया है। दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है और आज जो ये खबर आई है ये एक चिंगारी साबित हो सकती है। रूस ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वहीं नाटो और यूरोप का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही सीरियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें कई सारे पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड और उसके पीछे स्वीडन ने ऐलान किया है कि वो अब नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और किसी भी वक्त फिनलैंड और स्वीडन अपनी ऑफिशियल जो एप्लीकेशंस है वो नाटो में सबमिट कर सकते हैं। वहीं नाटो के जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना बस कुछ मोमेंट की बात है। वहीं नाटो ने स्पेशली ये बात कही है कि क्योंकि फिनलैंड रशिया का पड़ोसी देश है, ऐसे में जो फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का प्रोसेस होगा वो बहुत ही स्मूथ और स्विफ्ट किया जाएगा, यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन आएगी उसे तुरंत अप्रूव कर दिया जाएगा ताकि ये खतरा ना हो कि प्रोसेस के चक्कर में समय ज़्यादा लग जाए और उधर रशिया फिनलैंड पर अटैक कर दे। वहीं आपको बताऊं कि फिनलैंड और स्वीडन के अंदर ये हालात है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी इस बात पर सहमत हैं कि नाटो में शामिल तुरंत होया जाए, क्योंकि जो स्थिति यूक्रेन में पैदा हुई है वह फिनलैंड स्वीडन में पैदा ना हो जाए और इसीलिए वहां की जनता भी अपने राजनेताओं का साथ दे रही है। वहीं बात करें रशिया की, तो रशिया का क्या रिस्पॉन्स है, उन्होंने ये कहा है कि नाटो के अंदर फिनलैंड का जाना उनके लिए एक बड़ा खतरा है, रशिया इसे एक थ्रेट मानकर चल रहा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल ना हो। वहीं बताया जा रहा है कि रशिया अपनी हैवी वेपन्स और मिसाइलों को तैनात कर रहा है फिनलैंड के पास में, यानी कि रशिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर फिनलैंड स्वीडन भी हर हाल में नाटो में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं जो हाल ही में अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने पेश की है, उससे कि आपको पूरा मामला साफ हो जाएगा। दरअसल अमेरिका की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है ना, उसके अंदर अमेरिका की सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो FBI हो, चाहे वो खुफिया एजेंसी CIA हो, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, चाहे वो मिलिट्री के हों, एयरफोर्स के हों, सबके प्रतिनिधि इसमें होते हैं और सब अपने जो इंटेलिजेंस इनपुट हैं वो इस रिपोर्ट में देते हैं। तो उन्होंने बताया ये है कि व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध को फैलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर ये युद्ध फैलता है, यानी कि दूसरे देशों पर भी रशिया अटैक करता है, तो पुतिन उसे करने में भी पीछे कतई नहीं हटने वाले, और युद्ध लंबा भी चलता है तो भी पुतिन पूरी तरीके से रेडी हैं। यानी कि आने वाला समय यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया के लिए मुश्किल होगा, खास करके भारत के लिए, क्योंकि अगर पुतिन स्वीडन फिनलैंड पर भी अटैक कर देते हैं ना, फिर भारत के लिए न्यूट्रलिटी बरकरार रख पाना, यानी कि जो भारत का स्टांस है कि ना तो हम रशिया के साथ हैं ना यूक्रेन के साथ हैं, हम बीच का रास्ता अपना रहे हैं, उस बीच के रास्ते को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं नज़र बनाए हुए हूँ, जैसे ही बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।